प्रदेश सोनीपत के निहारिका गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने में जुटी हैं। छोटे उम्र में ही बड़े कारनामे पर निहारिका को राष्ट्रपति से राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार मिला। निहारिका के हौसले और जज्बे को न्यूज 18 सलाम करता है। निहारिका एनएसएस स्वयंसेवक हिंदू गर्ल्स कॉलेज काठ मंडी सोनीपत हरियाणा। सोनीपत की एक युवा लड़की निहारिका ने साबित किया कि दूसरों की भलाई के लिए जीने से बड़ा कोई गुण नहीं है। आज निहारिका एक घरेलू नाम बन गई है और पूरी तरह से समाज में योगदान देने वाली पहल का नेतृत्व कर रही है। शिक्षित होना सशक्तिकरण का प्रतीक है क्योंकि इससे जिंदगी में बहुत से रास्ते खुलते हैं। शिक्षा जीवन को पुनर्गठित करने का एक मौका है और निहारिका ने ठीक यही किया। छोटी उम्र में निहारिका ने देखा कि उसके यहाँ काम करने वाली महिला का बच्चा स्कूल नहीं गया और इस बात से वो हैरान रह गई। निहारिका ने खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया और यहाँ से शुरू हुई निहारिका की निस्वार्थ सेवा। जुनूनी निहारिका ने इसे अपने ऊपर ले लिया और पड़ोस के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी तरफ से मेहनत करूं, क्या पता उन्हें हो। तो फिर ऐसे मैंने ज्यादा लोग से ना जुड़ के, एक दो जगह जुड़ के अपने बच्चे, ज्यादा बच्चे ना करके अपने घर पे 5-10 जो काम वाली के बच्चे हो गए या जो भी नीडेड पर्संस है। निहारिका के निस्वार्थ भाव के इस नेक काम ने उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 दिलाया। सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय काम करने के लिए निहारिका को रजत पदक और प्रशस्ति पत्र से भी पुरस्कृत किया गया। एनएसएस में आप अपने बेटियों को जरूर डालें, उसमें आपका इतना ज्यादा भी नहीं आपको लगेगा कि मेरी बेटी बाहर जा रही है, वो कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो आगे समाज से लड़ पाएगी अपने लिए। निहारिका उभरते भारत की शक्ति का प्रतिबिंब है। हम न्यूज 18 नेटवर्क पर निहारिका जैसी भारत की महिलाओं को सलाम करते हैं जो मैं कर सकती हूँ। मैं